Subscribe to Shimaru Indian TV Classics and press the bell icon to never miss any updates. संतरे 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 है 16 रुपए दर्जन केले संतरे 12 रुपए संतरे 12 रुपए संतरे 12 रुपए भैया हमार माँ बाप तो गरीब थे इसलिए हम यहाँ केले बेचे थे लेकिन तुम्हार क्या मजबूरी थी मेरे तो 10वीं में 85% नंबर थे तो फिर कॉलेज में 90% से कम एडमिशन नहीं मिली इसलिए संतरे बेच रहा हूँ संतरे नागपुरी संतरे नागपुरी पर सर मैंने सुना है आप एक स्कूल खोल रहे हैं और आप खुद ही उसके प्रिंसिपल बन रहे हैं दरअसल शुरू से ही मुझे विद्या प्रचार का बहुत शौक है मेरे हिसाब से शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर एक को प्राप्त होनी चाहिए नहीं नहीं आपका हिसाब तो ठीक है पर आप खुद तो चौथी फेल है चौथी फेल नहीं कह सकते आप मुझे क्योंकि मैंने चौथी के एग्जाम ही नहीं दिए वो एक ही बात है मेरा मतलब आपने स्कूल खोल लिया और एजुकेशन लाइन का आपको कुछ भी नहीं पता ना पता क्यों नहीं मैं तो शुरू से एजुकेशन लाइन के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ वो कैसे चौथी में पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने बुक बाइंडिंग का काम शुरू कर दिया एजुकेशन लाइन तो जब 4 पैसे आ गए तो फिर मैंने स्टेशनरी की दुकान खोल ली अगेन ए एजुकेशन लाइन अगेन एन एजुकेशन लाइन एक ही बात है तो जब दुकान चल पड़ी तो फिर मैंने स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म बनाने का ठेका ले लिया हाँ ठेकेदार जी आपने बीच में ट्रांसपोर्ट का काम भी तो शुरू कर लिया था तो वहां कौन सा मैं ट्रकों में लोहा लादकर जीटी रोड पे घूमता था वो काम भी शिक्षा प्रणाली से संबंधित था कैसे मेरी 4 बसें थी जी तो बच्चों को उनमें ठूंस कर घरों से स्कूल और स्कूल से घर लाना हमारा काम था लेकिन ये जो एक्सपीरियंस आप अपना बता रहे हैं ये सब तो बिजनेस एक्सपीरियंस हुआ ना तो फिर स्कूल भी तो एक बिजनेस ही है चलो मान लिया स्कूल एक बिजनेस है लेकिन जिस हिसाब से आप चौथी फेल होकर खुद प्रिंसिपल बन गए हैं आपकी आत्मा आपको झिझोड़ती नहीं धिकारती नहीं मैंने ये स्कूल आत्माओं के लिए नहीं खोला वैसे भी जो प्रिंसिपल होता है उसके लिए जरूरी नहीं होता कि वो खुद पढ़ाए मैं पढ़ाने के लिए अपना पढ़ा लिखा स्टाफ रखूंगा कोई MA पास होगा कोई BA बेड नहीं BA BEd एक ही बात आप मतलब समझे नहीं मैं तो मतलब समझ गया लेकिन जिस हिसाब से आप अनएजुकेटेड हैं मेरा मतलब है अनपढ़ हैं तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपका स्टाफ आपके स्टूडेंट्स को ठीक तरह पढ़ा भी रहा है या नहीं मैं अपने टीचर्स को समझा दूंगा कि किसी भी बच्चे को 80% से कम नंबर नहीं देने ताकि हर माँ बाप यही समझे कि हमारा बच्चा ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है मान गए सर आपका आइडिया कमाल है जी चलो पटी साहब ये तो समझ में आ गया कि आप स्कूल खोल ही रहे हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट थी जी जी कि अगर वो स्टेशनरी का ठेका आप मेरा मतलब जहाँ से बच्चे कॉपियां किताबें खरीदते हैं वो ठेका अगर आप मुझे दिलवा देना मैं आपको कमीशन दे दिया करूंगा ना पटी साहब सब प्रिंसिपल लेते हैं वो बड़े चीप किस्म के प्रिंसिपल होते हैं जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं आपका क्या सिस्टम है मेरा सिस्टम अलग है जी क्या स्टेशनरी ट्रांसपोर्ट ड्रेसेस का तो मेरा अपना काम है सो कमीशन का सवाल ही नहीं पैदा होता सारा प्रॉफिट अपना है जी इसका मतलब स्कूल का बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है नहीं अगर ये बिजनेस प्रॉफिटेबल ना हो तो हर मोहल्ले में हर गली में स्कूल ना खुला हो सरदार जी यहाँ कोई टीपी नर्सरी स्कूल है टीपी हाँ वो सामने आपको एक मॉडल स्कूल दिखाई दे रहा है ना जी हाँ उसके आप राइट हो लेना राइट राइट में 3 छोटे-छोटे बच्चों के स्कूल हैं और उससे आप फिर लेफ्ट हो लेना लेफ्ट होते ही आपको एक खाली प्लॉट दिखाई देगा खाली प्लॉट के सामने एक हकीम साहब की पुरानी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की आप सीढ़ियां चढ़ जाना फर्स्ट फ्लोर पे एक पब्लिक स्कूल है सेकंड पे एक मॉडल स्कूल है उसके ऊपर एक छत है छत पे 2 छोटे-छोटे कमरे हैं एक में हकीम साहब का कबूतर खाना है और दूसरे में आपका टीपी नर्सरी स्कूल है सरदार साहब एक तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इतने स्कूल खुले हुए हैं पता नहीं लगता बुरे स्कूल कौन से हैं और अच्छे स्कूल कौन से अगर आपने वाकई उसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना तो कम से कम आपको 6 महीने वेट कर लेनी चाहिए वो क्यों 6 महीने में ये मेरा स्कूल भी तैयार हो जाएगा सर हमने बच्चे का एडमिशन फॉर्म भी भर दिया है और फीस भी जमा कर दी है थैंक यू आप बच्चे को कल से भेज दें सर देखिए ना 2.5 साल का बच्चा हो गया है सारा दिन पानी में खेलता रहता है मिट्टी में शरारते करता रहता है अब आपके स्कूल में आएगा तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा ना हमारा स्कूल अल्ट्रा मॉडर्न स्कूल है हम साइंटिफिक ढंग से पढ़ाते हैं आप क्या क्या पढ़ाते हैं हम इन्हें पानी और मिट्टी में गेम्स खिलाते हैं मैडम ये मेरा BA का सर्टिफिकेट है फर्स्ट क्लास फर्स्ट और सर ये MA का सर्टिफिकेट है वंस अगेन फर्स्ट क्लास फर्स्ट सर ये शूटिंग का स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है और सर ये कबड्डी का नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है इसके अलावा मैडम ये हॉर्स राइडिंग में भी आई वाज इन नंबर 1 पोजीशन
और ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जी ड्रामेटिक्स के, और इसके अलावा सर ये बैडमिंटन का सर्टिफिकेट है। वेरी गुड भाई, आपके पास तो सैकड़ों सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो कमाल की हैं। थैंक यू सर। बिसाइड्स योर स्टडीज यू've बीन सो एक्टिव, ये सारी प्रेरणा आपको कहां से मिली? मैडम इनफैक्ट ये सब मेरे पिताजी की मेहरबानी है। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? उनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है सर। पढ़े लिखे और अनपढ़ भाइयों के लिए पेश है एजुकेशन क्विज। ए बी सी डी छोड़ो। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ क्विज में हिस्सा लेने आए या नैनो से नैन जोड़ने आए हैं? ओके ओके ओके। तो पहला सवाल है समझदारों के लिए, पुराने जमाने की पढ़ाई लिखाई और आज की पढ़ाई लिखाई में क्या फर्क है? पहले सिलेबस बहुत कम होता था और आजकल बहुत बढ़ गया है। स्टाइल ठीक है, जवाब गलत है। आप बताएं बेवकूफ। पुराने जमाने में स्टूडेंट अपने टीचरों से डरते थे और आजकल टीचर्स बेचारे स्टूडेंट से। जवाब ठीक है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही एक मेजर इम्प्रूवमेंट हुई है। तो अगले क्वेश्चन के लिए हम तकलीफ देंगे बेवकूफों को। सवाल है, अगर क्लास में कोई टीचर अचानक किसी नालायक स्टूडेंट की प्रेज करनी शुरू कर दे तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे? यही कि बच्चे ने उस टीचर से प्राइवेट ट्यूशन रख ली है। दीद के काबिल हैं आप। क्या मतलब? मेरा मतलब दाद के काबिल हैं आप। तो सवाल नंबर 3 है समझदारों के लिए। सवाल है, पढ़े लिखे और अनपढ़ों में क्या फर्क है? पढ़े लिखों के पास तमीज होती है जी, उठने बैठने का तरीका होता है। पहले आप जरा ठीक तरह बैठे हैं प्लीज। बेवकूफ बताएंगे कि पढ़े लिखे और अनपढ़ों में क्या फर्क है। पढ़ा लिखा आदमी जहां नो पार्किंग लिखा हो जानबूझ के गाड़ी खड़ी कर देता है, जहां नो स्मोकिंग लिखा हो वहां जानबूझ के सिगरेट पीने लगता है। और अनपढ़? अनपढ़ को तो पढ़ना नहीं आता, वो जानबूझकर क्या करेगा। एब्सोल्युटली राइट। भाई अनपढ़ को तो पता ही नहीं कि क्या लिखा है, नो पार्किंग लिखा है या क्या लिखा है, इसलिए वो थोड़ा वहां बेचारा गाड़ी खड़ी करेगा। तो अगला सवाल है फिर बेवकूफों की झोली में, जब लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं यानी कि को एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सर इससे लड़कों का टाइम बच जाता है, वरना कॉलेज बंद होने के बाद लड़कों को आधा पौना घंटा लड़कियों के कॉलेज के बाहर खड़ा होना पड़ता है। इसी के साथ बेवकूफों की टीम जीत गई। और इस बेवकूफों की जीती हुई टीम को हायर स्टडीज के लिए भेजा जाएगा हिमालय की चोटी पर। मिस्टर भट्टी, आप हमारे कॉलेज में नए आए हैं और आज आपका पहला लेक्चर है। जी सर। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा कॉलेज एक प्रेस्टीजियस कॉलेज है। शहर के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वीवीआईपीज हैं, सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा जी। जब तक आप उन्हें पर्सनल टच नहीं देंगे, निजी तौर पे उनका ख्याल नहीं रखेंगे, आप उन्हें ठीक ढंग से पढ़ा नहीं पाएंगे। यू डोंट वरी सर। जाइए, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है। डीसी सन। यस सर। एसडीएम सन। यस सर। एमएलएज नेफ्यू। यस सर। एसएसपीज नीस। यस सर। आईजीज डॉटर। यस सर। एमपीज कजन। अरे 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 भट्टी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? सर मैं तो ये किस किस्म की हाजिरी लगा रहे हैं आप? सर जैसे आपने कहा था, मैं तो पर्सनल टच देने की कोशिश कर रहा था। एक बार एक छोटे से बच्चे को छाप ने काट लिया, बाबा जी ने तर्ज खाकर दो उंजले पानी की छुट्टी। बच्चा जय बाबा जी करता उठ गया, बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। एक बार एक इलाके में 15 साल तक बरसात नहीं हुई, बाबा जी ने 8 दिन तक कुछ नहीं खाया, इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। मांग लो बच्चा, आज मौका है बाबा जी से, मांग लो सब मिलेगा। औलाद चाहिए बच्चा? नहीं महाराज, हमारे 2 बच्चे तो पहले ही स्कूल जाते हैं। तो फिर क्या समस्या है? महाराज हमें बुद्धि और शक्ति का वरदान दीजिए ताकि हम अपने बच्चों का ढेर सारा होमवर्क करा सके। ये तो मेरे लिए असंभव है। क्यों महाराज? क्योंकि मैं खुद 4 साल पहले
बच्चों के होमवर्क से दुखी होकर ही साधु बना था। दिशंबर दास, हमने तुझे कहा था कि 4 तारीख से पहले पहले 4 लाख रुपया पहुंच जाना चाहिए, लेकिन तेरे कान पर चू नहीं सकी। माफ कर दे सरदार, मेरे पास थी फूटी कोटी भी को ना बची। जब कुत्ते की मौत आती है तो वो झूठ बोलने लगता है। झूठ नहीं सरदार, वो सड़क की ओर भागता है। चुप, तुम यहाँ डाका डालने आओ या मुझे हिंदी व्याकरण पढ़ाने? मुझे माफ कर दो सरदार, मैंने भी माफ कर दे सरदार। तुझे तो अब माँ भी माफ करेगी पिशंबर। उठ और खोल तिजोरी। सरदार, तिजोरी तो एकदम खाली है, मैं भी देख कर आया, उसमें सिर्फ 4 बेड पीस पड़े हैं। पिशंबर, हमें खबर मिली थी कि तूने 4 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, कहाँ छिपाए हैं वो पैसे? ना छिपाए नहीं सरदार, मैं तो पहले लुट चुका हूँ। हमारे होते हुए इस इलाके में कोई और तिजोरी खाली कर गया? ये कैसे हो गया? कहाँ गए पैसे? अरे सरदार, मैंने अपने बेटे की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाई है, सारे पैसे तो उसकी डोनेशन में चले गए। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय एंड ओवरलैपिंग ऑफ bonding orbitals along the internuclear axis. The overlapping is known as hadron overlapping or axial overlap. The sigma bond is formed by any one of the following types of combinations of atomic orbitals. May I come in, sir? Come in. Upar, ये आपके साथ कौन है भाई? सर, ये मेरे दादाजी हैं सर, आपकी क्लास अटेंड करना चाहते हैं। पर क्यों? सर, इनको बड़े दिनों से नींद नहीं आई सर, मैंने कहा आपका लेक्चर सुनवा दूं, शायद आ जाए। मासी, नमस्ते मासी जी। ओ, तुम तो मेरे बड़े पुराने विद्यार्थी हो, स्कूल में मुझे पढ़ा करते थे। जी मास्टर जी। अच्छा अच्छा, पर तुम यहाँ कॉलेज में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मास्टर जी, मैं तो यहाँ चिट्ठियाँ बांट रहा था, आजकल इस इलाके में पोस्टमैन हूँ ना जी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, मैं भी सोच रहा था मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कॉलेज में तो कभी पहुंचा ही नहीं।